क्या तुझे मेरी सुन्नत से ज्यादा बेहतरीन कोई सुन्नत मिल गई है? क्या तुझे कोई ऐसी सुन्नत मिली? क्या कोई ऐसा मुस्तहब मिल गया जो मेरे दिन से ज्यादा बेहतर, जो मेरी सुन्नत से ज्यादा बेहतर? क्या तुझे इस्लाम से ज्यादा बेहतर कोई दिन मिल गया कि जिसके अंदर यह तहरीर हो कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो और रवानियत इख्तियार कर लो? फिर फरमाते कि अगर मूसा पैगंबर इस दौर में होते, जनाबे मूसा के दौर में कुछ चीजों को हलाल किया गया था, का मूसा पैगंबर इस दौर में होते तो मेरी बात को मानते और ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे लिए हलाल नहीं, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। यानी इस तर्ज अमल, इस रविश की रसूल खुदा मजम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं और कुरान मजीद यही सवाल करता हुआ नजर आ रहा कि रसूल इनसे पूछिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो इन्होंने खुद पर हराम कर दी हैं, जबकि परवरदिगार आलम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। किसने इनको यह सबक दिया? किसने इनको यह बताया है कि अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें अपने ऊपर हराम कर रहे हैं? एक मतलब जरूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सूर्य कुमार के आराफ की 32 की आयत इशारे को इज्जत हो रहा है कि रसूल कुल मन हरम ज़ीनतुल्लाह, इसे पूछिए कि किसने हराम किया इनके ऊपर, कि जो परवरदिगार आलम ने जीनत वाली चीजें इनको मुहैया की थी, किसने हराम की इनके ऊपर? अल्लज़ी उखरा लिइबादिही वत्तय्यिबात मिन अर-रिज़्क़, कि जो परवरदिगार आलम ने इनके ऊपर दूसरी चीजों में से जो जो चीजें परवरदिगार आलम ने पाकीज़ा चीजों में से जो जो चीजें इनके ऊपर हराम की थी, किसने हराम की? और फिर परवरदिगार आलम कहता है कुल हियल्लज़ीन आमनू फिल हयात अद-दुनिया, उन अफराद के लिए कि जो ईमान लेकर आए इस दुनिया पर, इस दुनिया में, कि सारी की सारी चीजें ये दुनिया में तो तुम्हारे लिए हैं लेकिन अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करते हुए नजर आओगे ये चीजें आखिर तक तुम्हारे साथ पहुंच जाएंगी। यानी परवरदिगार आलम बाकायदा हर मकाम पे इस बात की तालीम दे रहा है कि देखो जिन चीजों को खुदा ने तुम्हारे लिए करार दिया कि जिनसे तुम इस्तेफादा हासिल करो, क्यों उसकी तरफ नहीं जाते हो? यानी ये जो तफरीक की जरूरत है, इंसान की फितरी ख्वाहिश तो है, खुदा भी ये चाहता है कि जो जायज जराए हमने मुहैया की हैं उसके जरिए से इन तफरीक को हासिल करने की कोशिश करो। सिर्फ रसूल खुदा ने, मौला कायनात के दौर में भी देखिए कि मौला कायनात एक बीमार की आयादत के लिए जाते हैं, खुद ये फेल बीमार की आयादत के लिए जाना, क्या ये फेल मोमिन को फरहत पहुंचाने का बायस नहीं? क्या किसी मोमिन को खुश करने का बायस नहीं? ये खुद एक इस किस्म का फेल है कि जो मोमिन को फरहत पहुंचाने का बायस है। जब मौला पहुंचते हैं, एक मरतबा अपने भाई की शिकायत करता है कि मेरा मौला, मेरा भाई जो है वो एक अजीब कैफियत में, और उसकी हालत यह है कि उसने घर में रहना छोड़ दिया है, बीवी बच्चों को तर्क कर दिया है। और फिर मौला ने उसके भाई को बुलाया, उसके भाई से बातें करना शुरू की और मौला उसके भाई से क्या सवाल करें, ए आसिम जरा ये तो बता, तारीख में मुख्तलिफ नाम का तस्करा किया, कुछ रिवायतों में अधी का तस्करा है, कुछ रिवायतों में आसिम का तस्करा है, ए आसिम जरा ये तो बता कि तूने ये चीजें क्या सोचकर छोड़ी थी? क्या तूने ये सोचकर छोड़ी कि परवरदिगार आलम को ये चीजें पसंद नहीं है? क्या तूने इन चीजों को ये सोचकर छोड़ा कि परवरदिगार आलम तुझसे नाराज हो जाएगा? याद रख कि तूने छोड़ दिया है, परवरदिगार आलम उस नाराजगी की शिद्दत में, खुदा आलम की नाराजगी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। खुदा चाहता था तू इस लिबास को पहन, अपने उमूर को इस तरीके से अंजाम दे, खुदा चाहता था लेकिन तूने इस तरह नहीं किया। वो भी मोमिन था, एक मतलब सवाल करता है मौला आप भी तो अच्छा लिबास नहीं पहनते, आप भी अच्छा खाना नहीं खाते, तो फिर मैं कैसे खा सकता हूं? और फिर उस वक्त मौला ने कहा कि देखो इमाम की जिम्मेदारी मुख्तलिफ हुआ करती है, बंदों की जिम्मेदारी मुख्तलिफ हुआ करती है, परवरदिगार आलम ने हमें हुज्जत बनाकर भेजा, हमारी जिम्मेदारी को तुमसे मुख्तलिफ करार दिया है और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां तुम पर नहीं आ सकती, लिहाजा जाओ और इस रविश को तर्क करो और जो खुदावंद आलम ने जो चीजें तुम पर हलाल की हैं जायज चीजों में से उनको इख्तियार करते हुए नजर आओ। एक बार दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब जब ये तय हो गया कि इंसान को कोई ना कोई ऐसी रविश अख्तियार करनी है कि जिसमें इंसान अपने उमूर के अंदर कोई एक ऐसा खास हिस्सा ले कि जो या तो खुद अपनी थकान को दूर करने का बायस हो, या तो खुद खुशी का बायस हो, या किसी दूसरे मोमिन को खुशी पहुंचाने का बायस हो। अब सवाल ये कि प्लानिंग कैसे की जाए, किस तरीके से अपने औकात में इन उमूर को लाया जाए कि इंसान की जरूरत भी पूरी हो सके और इंसान हर एतबार से इस बात पर आमादा हो सके कि हां माफी मेरी जिंदगी के अंदर ये अहम तरीन चीज आ चुकी है कि जो नहीं थी। मौला कायनात की हदीस कि जिसमें मौला इंसानी जिंदगी के औकात को मुरतब करने के हवाले से फरमाते हुए नजर आते हैं कि देखो इंसान की जिंदगी के तीन औकात हुआ करते हैं, तीन जो हमारा मोमिन होता है वो अपनी जिंदगी को तीन हिस्सों में तकसीम करता हुआ नजर आता है। पहला हिस्सा वो होता है कि जिसके अंदर वो अपने परवरदिगार से राबता करते हुए परवरदिगार आलम से बातें करते हुए गुजारता है। दूसरा हिस्सा वो होता है कि जिसके अंदर वो कस्बे माश करते हुए नजर आता है, जो उसकी जरूरियात है उसके लिए जो रिस्क के लिए तलाश के लिए निकलना है वो काम करता हुआ नजर आता है। और तीसरा हिस्सा वो होता है कि जिसके अंदर वो अपने नफ्स को उन हलाल चीजों के लिए छोड़ दिया करता है कि जो खुदावंद आलम ने उसके लिए हलाल की। इन्हें मौला फरमाना चाह रहे हैं कि देखो अपनी जिंदगी को इस तरीके से तीन हिस्सों में तकसीम करो, हमारा जो भी मोमिन होगा वो इसी तरीके से अपनी जिंदगी को मुनज्जम करता हुआ नजर आएगा कि एक खास हिस्सा ऐसा होगा कि जिसके अंदर वो खुदावंद आलम से राज़ो नियाज करेगा, खुदावंद आलम की इबादत करेगा। क्योंकि बहरहाल परवरदिगार आलम ने जो इबादतें वाजिब की हैं इंसान को अंजाम देनी है, परवरदिगार आलम से राब्ते के बगैर इंसान का कमाल मुमकिन नहीं। और दूसरी चीज बेकार भी नहीं बैठना, फकत इबादत पर तकिया करके नहीं बैठना। दूसरी चीज कस्बे माश के लिए निकलो और अपनी जिंदगी की जरूरियात को मुहैया करो उसके जरिए से, और फिर जो तीसरा वक्त बच जाता है उसके अंदर तुम्हारा रवैया होना चाहिए कि जो परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए लायक जायज लज्जात को रखा है उन तमाम चीजों की तरफ जाओ। मौला कायनात बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके से अपनी जिंदगी को मुनज्जम करो, इस तरीके से अपनी इस फितरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए नजर आए। मतलब दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जब यह भी तय हो रहा कि किस तरीके से अपनी जिंदगी को मुनज्जम करना है, किस तरीके से इस चीज को अपनी जिंदगी में दाखिल करना है, तो सवाल यह पैदा होता है क्या मासूमी की जिंदगी में भी यह रविश थी कि नहीं थी। देखिए हर मासूम की जिंदगी में यह फरहत पहुंचाने की तफरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि मुमकिन है कि इससे कोई गलत माना ले जाए, यह खुशी पहुंचाने की, यह ताजगी बख्शने की हर मासूम की जिंदगी में थी। तारीख उठाकर देखिए, फर्क यह है कि जो तरीका था वो मुख्तलिफ था, क्योंकि मासूमीन की जिंदगी में हमें जो भी चीज मिलती उसमें से कोई ना कोई ऐसा पैगाम हमें उभरता हुआ नजर आता है कि कोई हम मासूम कहना चाह रहे हो कि देखो हम मकसद भी समझा रहे हैं साथ साथ पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, मालूमात भी तुम तक पहुंच रही है मकसद भी तुम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।